मच गया। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, लड़का लापता होने से हड़कंप मच जाता है। 32 बटालियन पीएसी में तैनात कर्मचारी का बेटा लापता हुआ है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, लड़का लापता होने से मचा हड़कंप। साइकिल से कॉपी लेने गया बच्चा, दोपहर से अब तक नहीं मिला है। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मील कॉलोनी की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर लड़का लापता होने से हड़कंप मच गया है। 32 बटालियन पीएसी में तैनात कर्मचारी का बेटा लापता हुआ है। साइकिल से कॉपी लेने गया था बच्चा, दोपहर से अब तक नहीं मिला है। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मील कॉलोनी की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। 20 को दोपहर में लगभग 12:30 के आसपास उड़ीसा के पेपर मिल के रहने वाले श्री विजय कुमार का पुत्र दिव्यांश, जो कि घर से स्वेच्छा से निकला अपनी रेड कलर की साइकिल से और फिर वापस नहीं लौटा, उसकी सूचना पर लेट इवनिंग सूचना थाने को दी गई। थाने में द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और पूरी टीम है उनको टीम बना के सर्च कर रही है और कुछ फुटेज बरामद की गई है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। शीघ्र ही बच्चे को बरामद करके केस को रिकॉर्ड किया जाएगा। साइकिल से कॉपी लेने गया बच्चा, दोपहर से अब तक नहीं मिला है। आपको बताते चले, महानगर थाना क्षेत्र के पीपर मिल कॉलोनी की एक घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लड़का लापता होने से हड़कंप समझ गया है। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, 32 बटालियन पीएसी में तैनात कर्मचारी का बेटा लापता हुआ है। साइकिल से कॉपी लेने गया था बच्चा, दोपहर से अब तक मिला नहीं है। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मील कॉलोनी की यह घटना बता रहे हैं आपको, लखनऊ से यह खबर, जहां पर लड़का लापता हो गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफी, कल दोपहर से बच्चा लापता हुआ है और अभी तक नहीं मिला, क्या कुछ है पूरी जानकारी जानना चाहूंगे। जी, मैं बता दूं कि महानगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जो कि एक बच्चा घर से निकलता है सामान लेने के लिए और लौटते हुए भी सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ गया है और लगभग ये आशंका जताई जा रही है कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको देखते हुए पुलिस ने देर रात जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है और FIR लगातार और ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी जो बच्चा लापता हुआ है, अभी उसको तलाश जारी है उसकी पुलिस द्वारा। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनको किसी के ऊपर शक है मोहम्मद सफी? जी, अभी परिजन ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ परेशान, पूरा घर परिवार परेशान है, खुद भी ढूंढने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो बच्चा साइकिल से कॉपी लेने निकलता है घर से दोपहर को और आते हुए भी देखा जाता है, लेकिन किस तरह चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अभी इसका कोई पता नहीं लगाया जा सका। इस वजह से देर रात जो पुलिस ने वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। जी सफी, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर लड़का लापता हो गया है और दोपहर से वो अब तक घर नहीं आया है, ना उसकी कोई सूचना मिल पा रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा कॉपी लेने के लिए निकला, उसके बाद वापस भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद कहाँ चला जाता है ये किसी को अभी पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जालौन से आपको बड़ी खबर बता दें।